हे गाइस, आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो. और आज का जो मेरा वीडियो है वो गाइस फेस से रिलेटेड नहीं है. आज का जो मेरा वीडियो है वो है डार्क नेक और डार्क नकल्स. तो ये जो फिंगर के आपके पॉइंट्स होते हैं, ये वाले और ये वाले, तो इनको हम नकल्स कहते हैं. तो ये आपने देखा होगा कभी कभी ये डार्क हो जाते हैं. और डार्क होने के रीज़न भी बहुत होते हैं. कभी ये हार्मोनल वजह से होता है, कभी आपका जेनेटिक होता है, कभी आपकी कोई अंडरलाइन डिजीज है उसकी वजह से होता है, कभी कभी आपके सन एक्सपोजर की वजह से होता है, और कभी अगर आपका जो आप काम करते हैं उसमें अगर आपका हाथ के यूसेज ज़्यादा है तो ये उस वजह से भी डार्क हो जाते हैं. तो गाइज, आज की जो मेरी होम रेमेडी है वो पर्टिकुलरली डार्क नेक और इन डार्क नकल्स के लिए ही है. ओके गाइज, तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, डार्क नेक और डार्क नकल पैक बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 1 टेबलस्पून ऑफ ग्राम फ्लावर, बेसन. ओके, उसके बाद आप लेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ राइस फ्लावर, चावल का आटा. ओके, और उसके बाद लेंगे आप 1/2 टीस्पून ऑफ टर्मरिक. ओके, और उसके बाद लेंगे आप 1/2 लेमन. तो आप इसमें लेमन ले लेंगे तो ऑलमोस्ट आप 1 टीस्पून ले लेंगे. ओके, उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑफ कर्ड. ओके, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे. तो गाइज, ये हमारा पेस्ट रेडी है. अब मैं आपको बताती हूँ आपको लगाना कैसे है, ठीक है? तो गाइज, आप जहाँ पर आपके नकल्स, जहाँ भी आपके नकल्स ब्लैक हैं, आप उनको इसको वहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, अफेक्टेड एरिया में. ऐसे ही आप अपने नेक पे लगाएंगे. तो गाइज, उसके बाद आप इसको 20 से 25 मिनट ऐसे ही रखना है. जब ये सूख जाए तब आपको इसको थोड़ा ऐसे ऐसे करके रब करेंगे. आप इसको रब करेंगे सर्कुलर मोशन में, जहाँ आपके अफेक्टेड एरिया है, जैसे जॉइंट्स पे होता है, जॉइंट्स में, इस जगह यहाँ पे, तो आप उस एरिया में ज़्यादा आप रब करेंगे, ठीक है? ऐसे आपको नेक पे भी रब करना है. उसके बाद आप इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर देंगे. ओके गाइस, तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो फॉर डार्क नेक और डार्क नकल. गाइस, इस होम रेमेडी को आप रोज यूज कर सकते हैं, सुबह शाम यूज कर सकते हैं, और आप तब तक यूज कर सकते हैं जब तक आपको अपने डिजायर रिजल्ट्स ना मिल जाए. ओके, और गाइस, जो मैंने तरीका बताया आपको उसी तरीके से इसको यूज करना है. आई एम श्योर आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे. ओके गाइस, तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे बाकी के वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा. और आपको मेरे चैनल का बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि मेरे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. फिर मैं एक और नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.